डॉक्टर वास्ते, आज हम बीए सेकेंड ईयर एट्थ पेपर से प्रोजेक्टर क्या है, स्थिर प्रोजेक्टर या स्टील प्रोजेक्टर और गतिमान प्रोजेक्टर या मूविंग प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के गुण व उपयोगिता को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने से मेरे जुड़ जाते हैं। देखते हैं प्रोजेक्टर को। सबसे पहले देखेंगे प्रोजेक्टर क्या है, परिचय को। प्रोजेक्टर एक साधन है जो पर्दे पर या परावर्तक सतह पर गतिशील फिल्म, प्लेट्स, चित्र और अस्पष्ट वस्तुओं अथवा स्लाइड के प्रतिबिंबों के समूह के उपयोग के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। वर्तमान समय में प्रोजेक्टर का व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है। यह दो प्रकार का होता है, स्टील प्रोजेक्टर या स्थिर प्रोजेक्टर, गतिमान प्रोजेक्टर या मूविंग प्रोजेक्टर। तो स्थिर प्रोजेक्टर को देखेंगे। इस प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रक्षेपित तस्वीरें स्थिर रहती है, इसीलिए इन्हें स्थिर प्रोजेक्टर कहा जाता है। शैक्षिक उपयोगिता की दृष्टि से अपारचित्रदर्शी, मायादीप पारचित्रदर्शी प्रोजेक्टर तथा ओवरहेड प्रोजेक्टर स्थिर प्रोजेक्टर की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मूविंग प्रोजेक्टर या गतिमान प्रोजेक्टर, इस प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रक्षेपित तस्वीरें गतिमान रहती है, इसीलिए इन्हें गतिमान प्रोजेक्टर कहते हैं। इसमें सूक्ष्म प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर एवं LCD प्रोजेक्टर प्रमुख है। LCD या एक प्रकार की स्क्रीन है जो कि द्रव क्रिस्टल द्वारा निर्मित होती है, अतः इसे द्रव क्रिस्टल पारदर्शी भी कहते हैं। इस स्क्रीन द्वारा टेक्स्ट, फोटो, वीडियो इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रदर्शित होता है। इसके पास स्वयं का कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, अपितु किसी दूसरे स्रोत से स्क्रीन पर पड़ने वाला प्रकाश को प्रदर्शित करता है। इसका उपयोग कंप्यूटर, मॉनिटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, कलाई घड़ी स्क्रीन आदि के निर्माण में किया जाता है। यह स्क्रीन हल्का होता है, विद्युत खपत कम होती है इसमें, पोर्टेबल होता है, जल्दी गर्म भी नहीं होता, आकार में जो है यह पतली होता है। अब हम देखेंगे प्रोजेक्टर का गुण को। प्रोजेक्टर शीतलन की उत्तम व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। इसके अभाव में प्रोजेक्टर की कांच की नमूना, प्लेट इत्यादि जो है गर्म होने का डर रहता है। घूमने वाला लेंस इसमें जो है होना चाहिए, जिससे चित्र या मानचित्र का प्रत्येक भाग पर्दे पर दिख सके। ज्योति द्वारा प्रकाश फेंकने के लिए बल्ब कम से कम 700 वाट शक्ति का होना चाहिए। उपयोगिता, प्रोजेक्टर का शैक्षिक क्षेत्र में जो है क्या उपयोग है उसको देखेंगे। इसके उपयोग से विषय वस्तु रोचक और प्रभावपूर्ण होने से छात्रों का ध्यान विषय पर केंद्रित होता है और छात्रों में जो है विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। प्रोजेक्टर में प्रक्षेपित की जाने वाली सामग्री को सरलता से संकलित किया जा सकता है। तो ये था प्रोजेक्टर। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।